क्या आपका टैंक हमेशा गंदा रहता है? तो आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। टैंक के ऊपर हमेशा गंदगी जमा रहती है, कितने भी प्लेको फिश रख लो फिर भी क्लीन नहीं हो रहा है। तो आ जाओ बॉस, तरीका आपको दिखा दूंगा। इजीली टैंक क्लीन करना है तो आ जाओ बॉस, ऐसे गैजेट आप दिखाने वाला हूँ जो आपके टैंक को क्लीन और क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो ये है मेरे टैंक की हालत, जो काफी दिनों से मेंटेन ना होने की वजह से काफी सारा आलगी बन चुका है टैंक के ग्लास के ऊपर। और यहाँ पर थोड़ा गैजेट मैंने खरीदा हुआ है अमेजोन से जो हमारे टैंक क्लीन करने में हेल्प करेगा। ये है क्लीनिंग किट 5-in-1। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये मैग्नेट स्क्रबर के बदले में आप ग्लास, ये आलगे स्क्रैप है जिसके हेल्प से हम इसको क्लीन और क्लियर बनाएंगे। काफी दिनों से मैंने ऊपर, जैसा मैंने कहा कि ऊपर रूम बन रहा है जिसकी वजह से मैं बिजी हो चुका था, इसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा था, पूरा टैंक फॉगी हो चुका है। अभी हम मैग्नेट स्क्रबर इस्तेमाल करेंगे तब भी ये क्लीन नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारे पास है ये जरूरी है, इसके जरिए से आज हम टैंक को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैग्नेट स्क्रबर जो है 5-in-1 है। इसमें 5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अगर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला आप इसको बेटा नेट के तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, बेटा का नेट होगा वो हो गया। और इस तरह लगाकर आप, तो इस तरह करके आप इसको टैंक क्लीनर की जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा चाहे मोड़ सकते हो, लेफ्ट राइट जैसा चाहे मोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर प्रेस करके निकाल देना है। और ये भी ऑप्शन मिल जाता है जो नीचे ग्रेवल वगैरह कुछ अनईटन फूड है या कुछ उठाने के लिए आपको हेल्प हो जाता है। और ये वाला ग्लास का, जहाँ पर बारीक शेप में ग्लास है जिसे आप आलगे आराम से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया इसमें प्लांट्स जो है सीधा करने के लिए, प्लांट्स अगर आप सीधा करना चाहते हैं, टेढ़ा वगैरह है प्लांट्स, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लांट्स आपको सीधा करना है या ग्रो करना है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ग्लास है, ग्लास के थ्रू से आप आराम से फिशेस को हर्ट किए बगैर इसमें जो आलगी जमा हुआ है ना वो कितना क्लीन हो जाता है, उसमें स्क्रैच भी नहीं होता है। तो ये एक हो गया। और दूसरा हम जो ट्राई करने वाले हैं स्पॉन्ज का, स्पॉन्ज के थ्रू से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, क्लीन नहीं होता है जो इसमें, देखिए स्नेल भी आ गया इसमें। अगर इस तरह अगर आप स्पॉन्ज के थ्रू से नहीं हो रहा है उधर, उस साइड में भी कर सकते हो, मतलब घुमा फिरा के, और ये स्क्रैच नहीं होता, काफ़ी स्मूथ है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, बहुत स्मूथ है, इसमें टैंक स्क्रैच नहीं हो पाता है। बहुत सारे मैग्नेट स्क्रबर्स में जो है टैंक स्क्रैच पड़ जाते हैं, जैसा मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैंने मैग्नेट स्क्रबर इस्तेमाल किया था, 4-5 स्क्रैच पड़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें जो है आपको स्क्रैच पड़ने के चांसेस नहीं है। इसके थ्रू से जो नीचे गंदगी वगैरह फंसी रहती है या कुछ निकालना चाहते हो आप, ये वाला इस तरह आराम से निकाल सकते हो, ये इस तरह। 3 हो गए और चौथा देखिए ये नेट, जिसे आप फिशेस ले सकते हो, श्रिम्स ले सकते हो, कोई भी आप इसमें चीज़ आसानी, देखिए श्रिम्स में निकाल रहा हूँ, श्रिम्स में ले सकते हो आराम से। और एक लास्ट का जो हमने रिव्यू करना था वो वाला था ये, इससे क्या हुआ प्लांट्स ग्रो करने के लिए, प्लांट्स अगर आपको डिक करना है, प्लांट्स लगाने के लिए डिक कर सकते हो, या प्लांट्स टेढ़े मेढ़े हैं उसको सीधा करना है आपको, सीधा कर सकते हो, निकालना है इसमें निकाल सकते हो, या अंदर थोड़ा और प्रेस करना है प्लांट्स को इस तरह प्रेस कर सकते हो। तो टोटल 5-in-1 किट है यह बुराक पेट्स की तरफ से, जो आपको मात्र 325 रुपये मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन अमेज़न से ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ये काफ़ी हेल्पफुल है चीज़ें आपके एक्वेरियम हॉबी के लिए, अगर आप इस तरह रखते हो तो आपके टैंक को आप कभी भी हमेशा क्लीन और क्लियर रख सकते हो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ख़रीदा है बुराक पेट से, ये वाला, ये स्टेनलेस स्टील का आता है, इसमें जंग वगैरह रस्ट नहीं पकड़ता, इंग्लिश में रस्ट बोलता है लेकिन हिंदी में जंग पकड़े जाना बोलते हैं, इसमें डस्ट नहीं पकड़ता। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लगा लेना है, ये वाला, ये काफ़ी हार्डी होता है, ये डस्ट नहीं पकड़ता। और यहाँ पर ब्लेड्स आपको अलग से मिल गए, आप चाहे तो ब्लेड्स कोई भी लगा सकते हो, जो फिर जो नॉर्मल शॉप में शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है वो वाला, को हल्के से खोल लेना है ये वाला। तो देखिए ये और एक हेल्पफुल जो है प्रोडक्ट है बुराक पेट्स की तरफ से, अगर आप टैंक के ऊपर आलगी बन चुका है, बहुत सारी गंदगी बस चुकी है जो अब हाथ नहीं जा सकता आपका, आप आसानी से क्लीन करना चाहते हैं, देखिए कितना आसानी से क्लीन हो रहा है, और इसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ता है ग्लास। स्ट्राइट आपको ले जाना है, जो गंदगी वो आराम से निकल जाएगी, नीचे तक ले जा सकते हो जहाँ तक आपका हाथ नहीं जाता है ना। देखिए यहाँ पर ये पहले है बिफोर, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हो, देखिए कितना गंदा लग रहा है। एक बार मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ तो देखिए कितना पाक, अभी देखिए कितना क्लीन है, अंदर की जो पहले गोल्ड कलर का लग रहा था गिलास, अभी देखिए स्टेनलेस स्टील लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने एक्वेरियम का क्लीन करते, पहले क्लीन कर लेता हूँ एक बार।
इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों से आप अब ये लाइंस जो वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं वो भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर भी निकाल के दिखाता हूँ, ये जो लाइन काफ़ी दिनों से हम क्लीन नहीं कर पाने की वजह से लाइन बन गई है, जो वाटर स्टेन बोलते हैं, आराम से निकल जाएगी। देखिए तो देखिए क्लीन करने के बाद कितना साफ़ लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना चाहता हूँ मैं, पहले आलगी वगैरह होकर कितना गंदा लग रहा था, नीचे बॉटम में सब लाइन लगी थी जिसे हम हाथ से डालकर क्लीन नहीं कर सकते, पूरे क्लीन हो चुके हैं अभी। फाइन वन टूल्स और आलगी स्क्रैपर से हमने पूरा क्लीन कर लिया है। अब ये भी देखिए थोड़ा टैंक क्लोड ही लग रहा है क्योंकि पानी हमने चेंज किया क्लीन करने के बाद, एक दिन और टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्लीननेस देख सकते हैं। इसकी सैंड वगैरह हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो श्रिम्स घूम फिर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में जो आलगी यहाँ पर लग रही है ना, इस तरह का पूरा ग्लास हो गया था। हमने पीछे आगे जो भी साइड में सब थे, सब हमने स्क्रैपर से, जो आलगी स्क्रैपर से फाइन वन टूल से, उसकी वजह से हमने पूरा क्लीन कर लिया। बुराक पेट्स का आलगी स्क्रैपर था, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट था जो हम यूज़ कर सकते हैं बगैर हाथ डाले। हाथ डालने से फिशेज़ को इन्फेक्शन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पानी गंदा हो सकता है। बगैर हाथ डाले भी इसको आप 3 फीट की टैंक इवन हो तब भी आप इसको आराम से जितना भी आलगी ग्लास के ऊपर लगा हुआ है इसको क्लीन कर सकते हैं। और साथ में फाइन वन टूल जो है वो ब्लू प्लेट्स का जो बुराक पेट्स के थ्रू से ही सेल हो रहा है अमेज़ॉन में, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको 5 चीज़ें मिल जाएंगी, शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप रखना ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपके घर में बहुत सारे टैंक्स हैं, स्पेशली प्लांट टैंक हैं, आप हसल फ्री उनको मेनटेन करना चाहते हैं, तो ये सब गैजेट आप एड ऑन कर सकते हैं अपने कलेक्शन में। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, अगर ख़रीदना चाहते हो तो ले सकते हो। तो देखिए क्लीन करने के बाद कितना साफ़ हो गया पानी। पहले ये आलगी वगैरह सब लग रहा था, साइड में जो लाइंस वगैरह आ चुके थे लाइंस वगैरह सब निकल गए। साइड में भी यहाँ पर भी जो थे वो पूरा मैंने निकाल लिया आलगी स्क्रैपर की हेल्प से, और जो फाइन वन टूल था उसके थ्रू से मैंने नीचे जो गंदगी थी उसको भी थोड़ा हिटा के वगैरह प्लान कर लिया। और ये भी देखिए कितना क्लीन लग रहा है, अभी थोड़ा क्लाउडी लग रहा है पानी क्योंकि पानी हमने चेंज किया थोड़ा क्लीन करने के बाद, एक दिन टाइम लगेगा तो और भी सेटल हो जाएगा।